नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी। एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल 50 का बनता है, बीच में ये हमने एक्स बताया, ये वाई और ये 130। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स और वाई बराबर हैं। क्यों? अल्टरनेट है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 130, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। y अगर 130 है तो x भी 130 आ गया, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि x 130 है। इस तरह से बहुत सिंपल वे में ये सवाल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी डी पैरल हैं, सी डी और ई एफ पैरल हैं। इस बार तीन लाइंस दी गई हैं, लाइक दिस, ए बी, सी डी और ई एफ। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज ई एफ। ये तीनों आपस में पैरल हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जिसमें ये एंगल x है, ये y है और ये z है। y और z का रेशियो दे रखा है 3:7। y और z का रेशियो 3:7 दिया है। आपको x फाइंड करना है, ये स्टेटमेंट है, फाइंड एक्स। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एक्स प्लस वाई जो है सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। दीज आर को इंटीरियर एंगल। लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो ये दो एंगल को इंटीरियर एंगल है। दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। इसी तरह से एक्स और जेड वो बराबर हैं, क्योंकि वो अल्टरनेट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जेड प्लस वाई 180 होगा? वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7, y और z का सम दे रखा है 180। मान लेते हैं y किसके इक्वल है 3p के एंड z किसके इक्वल है 7p के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3p प्लस 7p इज इक्वल टू 180, 10p इज इक्वल टू 180, p इज इक्वल टू 18। p अगर 18 है तो y की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू z के बराबर है, और z किसके बराबर है? 7p के, यानी 126। दिस इज द आंसर। आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने ये बताया कि ये दो को इंटीरियर एंगल है, ये दो अल्टरनेट एंगल है। x और z अल्टरनेट एंगल है। दो पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो अल्टरनेट कोरस्पोंडिंग को इंटीरियर इस तरह के एंगल बनते हैं, जिसमें से ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है। एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल है। वाई और जेड का रेशियो दिया गया है, वाई और जेड का रेशियो दिया गया, लेकिन एक्स और जेड तो बराबर हैं, तो मैंने वाई और एक्स ले लिया। एक्स और जेड बराबर हैं, एक्स की जगह मैंने एक्स और वाई का सम 180 है। यहां से देखिए, एक्स और वाई का सम 180 है, लेकिन एक्स तो जेड के बराबर है, तो एक्स और y की बजाय मैंने लिख दिया जेड और वाई। वाई और जेड का रेशियो शुरू में 3:7 है, तो वहां से हमने इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर ली y की और जेड की। y और जेड जैसे ही मिल जाते हैं, x अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि x और जेड बराबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं।
ए बी सी डी के पैरेलल फिगर दी गई है, ए बी सी डी के पैरेलल इसके अलावा ई जी नाउ दिस एंगल इज 90, जीईडी ये 126 है पूरा, ये पूरा अगर 126 है तो ये सिर्फ बचा 36 डिग्री। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट एंगल ए जी, ए जी ई यानी ये एंगल, इसको हम एक्स का नाम दे दें, सेकेंड जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये एंगल बीच का, थर्ड एंगल एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये एंगल, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दें, इसको हम वाई कह दें, एक्स की वैल्यू जी ई डी के बराबर है क्योंकि वो अल्टरनेट है, एक्स की वैल्यू जी ई डी के बराबर है क्योंकि वो अल्टरनेट है, जी ई डी की वैल्यू 126 है तो एक्स की वैल्यू भी 126 आ गई, अगर x 126 आ गया तो y की वैल्यू 180 में से 126 माइनस कर दो 54 आ गई, ये आपसे पूछा गया है। ये बीच का हम बता ही चुके हैं पहले, ये बीच का एंगल 36 है, ये पहले आ ही चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अगेन ए फिगर इज शोन, एक सेगमेंट है पी क्यू आर एस टी, ये एंगल 130, ये एंगल 110, आपसे डिमांड किया जा रहा है क्यू आर एस यानी ये एंगल एक्स, तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम चलें तो PQ वो ST के पैरेलल है, ये टुकड़े पैरेलल हैं आपस में, यानी इनको एक्सटेंड किया जाए तो ये पैरेलल लाइंस शो करेंगी। हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ये गिवन है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम क्या, R से एक लाइन पास कराओ जो इन दोनों के पैरेलल है, आर से हमने एक लाइन पास कराई, थ्रू आर ड्रा, इसका नाम एल दे दिया, पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो अब देखिए, ये एंगल y की वैल्यू 70 होगी क्योंकि z की वैल्यू 50 होगी बिकॉज y 110 एंड z 130 आर को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर है, y प्लस x प्लस z 180 होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल है,
y की वैल्यू कितनी है 70, x पता नहीं, z की कितनी है 50, यहां से x कितना आ गया 60, 7 और 50 का सम, 70 और 50 का सम 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर नंबर 32 में पी क्यू आर पी से पैरेलल हमें ये दिया गया है कि ये ए बी है और ये सी डी है, ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू यानी ये एंगल, ये 50 है, पी आर डी यानी ये एंगल, ये 127 है। आप फाइंड कीजिए एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई को फाइंड करना है, एक्स तो सीधा सीधा 50 आ गया क्योंकि अल्टरनेट है, एक्स की वैल्यू तो 50 के बराबर आ गई, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वाई प्लस 50 वो 127 आएगा, वो भी अल्टरनेट है, यहां से वाई मिल जाएगा हमें 127 माइनस 50 यानी 77, तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दो मिरर है, फर्स्ट वन इज पी क्यू, सेकेंड वन इज आर एस, ये मिरर है, एक लाइट रे ए से चली, एक लाइट रे ए से चली बी पे टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, बी से रिफ्लेक्ट हो गई, सी पे टकराई दूसरे मिरर के लिए, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये कोर्स ऑफ रे है, साइंस में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस, ये चीज प्रूव करनी है। एक कंस्ट्रक्शन मैंने की, क्या कंस्ट्रक्शन, बी से एक नॉर्मल डाल दिया एन वन, एक नॉर्मल सी से डाल दिया, नॉर्मल है यानी ये दोनों मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक। N1 एंड N2 परपेंडिकुलर PQ पैरेलल RS, N1 और N2 दो नॉर्मल, नॉर्मल्स,
अब जरा देखिए, एक और दो बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट है। एक और दो बराबर हैं क्योंकि ये अल्टरनेट है। एक तीन के बराबर होगा, दो चार के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का लॉ है, ठीक है बच्चों। एक और दो बराबर हैं तो इनके डबल भी बराबर होंगे। इसकी जगह मैंने लिख दिया वन प्लस वन, इसकी जगह लिख दिया टू प्लस टू। एक वन की जगह एंगल थ्री लिख सकते हैं, एक टू की जगह एंगल फोर लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस थिंग एंड व्हाट कैन यू से अबाउट दिस थिंग। हमने ये देखा कि ए बी सी और बी सी डी बराबर आ गए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल। लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल भी हैं, हेंस ए बी सी डी के पैरेलल। राइट स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या एप्लीकेशन है। राइट।